संचारी रोगों की रोकथाम के लिए दस्तक की हुई शुरुआत हम आपको बताते चलें। जनपद सीतापुर के सिधौली क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक एवं दस्तक पखवाड़ा अभियान की शुरुआत 12 जुलाई से, इसका शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में किया गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया, विकास खंड कसमंडा के सभी ग्राम पंचायतों में तैनात आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा टीम बनाकर बुखार, कोविड लक्षण युक्त रोगी, क्षय रोग लक्षण युक्त रोगी, दिव्यांग, जन्म मृत्यु पंजीकरण, छूटे शिशु, कुपोषित बच्चों की सूची तैयार की जाएगी। साथ ही संचारी रोगों की रोकथाम व बचाव के लिए जानकारी दी जाएगी। दस्तक अभियान की शुरुआत में जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदिनी ने आशाओं के साथ एक बैठक की और प्रमुख बिंदुओं पर निर्देश दिए। अभियान का संचालन एआरओ दिलीप कुमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी सुधीर पाठक, यूनिसेफ व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। 1 जुलाई 2021 से विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत हुई है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिक योजनाओं में एक है। इसमें स्वास्थ्य विभाग हमारा नोडल विभाग है और इसके साथ ही हमारे अन्य 13 विभाग हमारे सपोर्ट में कार्य कर रहे हैं। और विशेष संचारी रोग अभियान के अंतर्गत हम मच्छरों से होने वाले रोग, जल जनित रोग से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही साथ आज से 12 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जाकर वहाँ की लाइन लिस्टिंग करेंगे। और इसमें दिमागी बुखार, कोविड नियंत्रण, जन्म मृत्यु पंजीकरण और विकलांग बच्चों की लिस्ट बनाएंगे और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने का इसमें कार्य किया जाएगा। दस्तक अभियान के अंतर्गत हर एक बुखार के पेशेंट की सूची बनाई जाएगी और उसको जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जाने वाले लाभ से लाभान्वित किया जाएगा। आपके चैनल से के माध्यम से मैं यह अपील करना चाहती हूँ कि जब हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घरों में जाएंगी तो उनका पूर्ण सहयोग करें, किसी भी बुखार के रोगी का नाम ना छुपाएं